को मिला है रेडबुल की तरफ से फ्री में, और सभी यहाँ पे लोग मजे मजे ले रहे हैं। और ये देखिए सादा पानी पी रही है ये। हाँ छोटी बच्ची हो क्या? तो गाइस ये भी देखिए फोकट का बहुत मजा आ रहा है। तुम लोगों का वर्कशॉप कंप्लीट हो चुका है, और आइए जानते हैं भाई लोग से कैसा लगा वर्कशॉप। पहले तो मेरा नाम जान लीजिए, विजय कुमार, अब हम आए हैं पटना में वर्कशॉप करने के लिए। और पहला तो वर्कशॉप हम लोग कर लिए हर्षिता मैम, आई टी श्री, कार्तिक राजा, धीरज, लास्ट में हम लोग धीरज सोनी, धीरज सोनी सर, देखिए फैमिली वो हाउस कराते हैं, हाउस पसंद भी है, और मेरे भी सर करा चुके हैं हाउस, धीरज सर भी हैं मेरे, हम लोग को भी चारों कैंप किया, सर्टिफिकेट भी उसका मिल गया है। और कैंप आप लोग यूज करते रहिए, इससे बहुत सीख मिल रही है। बहुत पछतावा भी हो रही है कि सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करने पर क्या हो रहा है, स्टेप नहीं पकड़ा जा रहा है, और सॉन्ग तो समझ में नहीं आ पा रहा है क्या कह रहे हैं। तो गाइज मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप एक अच्छा डांसर बनना चाहते हो और आप अच्छा डांस सीखना चाहते हो तो वर्कशॉप आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारे सौरभ ये बताएंगे। आज इतना अच्छा लग रहा है, चार मेरे को चार फैकल्टी डांस के टीचर मिले, हर्षिता मैम, कार्तिक राजा, इपी श्री और धीरज सोनी सर। धीरज सोनी सर का फुटवर्क बहुत अच्छा था, उनका हाउस बहुत अच्छा था, और बता रहा हूँ कार्तिक राजा माइंड ब्लोइंग यार, माइंड ब्लोइंग, उनका तो कहना नहीं है। और हर्षिता मैम तो उनका तो बिल्कुल कहना नहीं है भाई, उनका स्टेप यहाँ से पार हो रहा था भाई, यहाँ से वो स्टेप, मतलब हम लोग तो कर रहे थे इतना सुबह से हम लोग आए हैं, 10 बजे से तो आए हैं, इतना देर रह चुके हैं, क्या बोले अब, उसके बाद भी थैंक यू, धन्यवाद। तो गाइस तो ये जो चारों टीचर थे वो बहुत बड़ा इंटरनेशनल डांसर थे, क्योंकि उनका क्लास करके बहुत अच्छा लगा हम लोग। थैंक यू सो मच, ऐसे ब्लॉग में बने रहिएगा, और कैसा लगता है ब्लॉग जरूर बताइएगा आपको।